फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का पार्ट थ्री। और इस पार्ट थ्री में हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, 20, 21, 22 और 23 को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए 1/1 × 4 + 1/4 × 7 + 1/7 × 10 + … −2 × 3n − 2 × 3n + 1 = n × 3n + 1, ये हमें सॉल्व करना है, शो करना है। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं इस सीरीज का पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड कर चुका हूं, आप उन पार्ट्स को देख के ये पार्ट देखे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले केस नंबर वन में हम लोग क्या करते हैं, when n is equal to 1 LHS में एक सीरीज है, तो when n is equal to 1 सीरीज का मतलब क्या है, तो when n is equal to 1 means sum of this series up to first term. So sum of this series up to first term means 1/1 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो गया। RHS, RHS में सिर्फ एक टर्म है तो हम लोग क्या करेंगे n के प्लेस में 1 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 × 1 + 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/3 × 1 मतलब 3, 3 + 1, 4, तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफोर द प्रोपोजिशन और द रिजल्ट आप लिख सकते हैं, सो देयरफोर द प्रोपोजिशन is true for n is equal to 1. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग assume करेंगे let the proposition be true for n is equal to k. So अभी हम लोग assume कर लेते हैं let the proposition be true for n is equal to k. What is k? K is greater than 1 and k belongs to natural number. So therefore अभी हम लोग क्या करते हैं, तो इस ये जो इक्वेशन दे रखा है उस इक्वेशन को हम लोग यहां पर लिखेंगे n के प्लेस में k पुट करके, तो यहां पर लिखेंगे 1/4 + 1/7 × 10 + 1/3k − 2 × 3k + 1 = k / 3k + 1, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन 1 यूज करके हम लोग ये शो करेंगे द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो। सो नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, सो नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 इस सीरीज का लेफ्ट साइड में हम लोग n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड में अगर n इक्वल टू k प्लस 1 n के प्लेस में अगर हम लोग k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 × 4 + 1/4 × 7 + 1/7 × 10 + ……, तो यहां पर n के प्लेस में अगर हम लोग k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 × k + 1 − 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 3k + 3 − 2, तो यहां पर क्या हो रहा है 3k + 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/3k + 1 इंटू में क्या आएगा, देखिए इसमें अगर हम लोग n के प्लेस में k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × k + 1 + 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 3k + 3 + 1, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है 3k + 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 3k + 4, दिस इज इक्वल टू। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसका जो प्रीवियस टर्म है उसको हम लोग लिखेंगे, सो 1/4 + 1/4 × 7 + 1/7 × 10 + ……, तो देखिए फ्रेंड्स इसका प्रीवियस टर्म में क्या आएगा, सभी टर्म के न्यूमरेटर में 1 है, तो इसका प्रीवियस ये टर्म मैं लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग इसका प्रीवियस टर्म लिखेंगे। सो ये जो टर्म है ये क्या है 1/3k + 1 × 3k + 4, तो इसका प्रीवियस टर्म, तो प्रीवियस टर्म का न्यूमरेटर में 1 रहेगा क्योंकि सभी के न्यूमरेटर में 1 है, तो इसका टर्म में इस टर्म में भी न्यूमरेटर में 1 रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये टर्म और ये टर्म आप कंसीडर करिए, यहां पर तो दो टर्म आएगा, दो फैक्टर आएगा, तो यहां पर देखिए ये फैक्टर्स को आप कंपेयर करिए, देखिए ये 4 है ये 8 है, तो ये क्या है कितना कम है, 3 कम है, ये 7 है ये 4 है, तो ये 3 कम है,
तो यहाँ पर सिमिलरली ये थ्राइस के प्लस वन है तो ये कितना होगा, यहाँ पर जो आएगा ये इसमें इसे तीन कटेगा, तीन माइनस होगा, सो इसमें से तीन माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थ्राइस के प्लस, थ्राइस के तीन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा थ्राइस के माइनस टू, थ्राइस के माइनस टू। और यहां पर जो आएगा देखिए इसको आप कंपेयर करेंगे तो ये टेन सेवन फोर हो रहा है तो यहां पर भी तीन माइनस हो रहा है, तो यहां पर आप इसमें से तीन माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्राइस के प्लस वन, थ्राइस के प्लस वन। अभी देखिए फ्रेंड्स यहां से लेके यहां तक जो सीरीज हुआ, इस सीरीज का साम देखिए बाई एल एच एस, हम लोग अगर बाई इक्वेशन वन यूज करेंगे तो इसका एल एच एस में देखिए ये सीरीज है तो इसका साम कितना है, के बाई थ्राइस के प्लस वन, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे k डिवाइडेड बाई थ्राइस के प्लस वन, k डिवाइडेड बाई थ्राइस के प्लस वन, प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्राइस के प्लस वन इंटू थ्राइस के प्लस फोर। ये कैसे आया, ये बाई इक्वेशन वन हम लोगों ने लिखा, दिस इज इक्वल टू, नाउ कॉमन देखिए न्यूमरेटर में वन कॉमन है और डिनोमिनेटर में थ्राइस के प्लस वन कॉमन है, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या रहेगा, यहां पर क्या रहेगा और यहां पर क्या रहेगा, वन डिवाइडेड बाई थ्राइस के प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई थ्राइस के प्लस वन। यहां पर देखिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका थ्राइस के प्लस फोर, तो यहां पर क्या हो जाएगा के इंटू थ्राइस के प्लस फोर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू वन बाई थ्राइस के प्लस वन इंटू, तो डिनोमिनेटर में तो थ्राइस के प्लस फोर ही रहेगा और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्राइस के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स वन बाई थ्राइस के प्लस वन इंटू, तो यहां पर देखिए ये मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए थ्राइस थ्री इंटू वन तो थ्री और थ्री प्लस वन फोर आ रहा है, तो यहां पर मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्राइस के स्क्वायर प्लस थ्राइस के प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्राइस के प्लस फोर। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर कर देता हूं, नेक्स्ट स्टेप जो बाकी रह रहा है देखिए वन डिवाइडेड बाई थ्राइस के प्लस वन इंटू में, सो न्यूमरेटर में आप सिंपलीफाई करेंगे तो थ्राइस के कॉमन है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका के प्लस वन प्लस वन इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्राइस के प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई थ्राइस के प्लस वन इंटू, तो न्यूमरेटर में के प्लस वन कॉमन है तो बाकी क्या रहेगा थ्राइस के, यहां पर के प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो यहां पर रहेगा थ्राइस के और यहां पर प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्राइस के प्लस फोर, तो थ्राइस के प्लस वन कैंसिल हो गया तो बाकी क्या आ रहा है, देखिए बाकी आ रहा है न्यूमरेटर में के प्लस वन और डिनोमिनेटर में देखिए इस यहां पर इसको फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे थ्री इंटू एन प्लस वन, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे थ्री इंटू के प्लस वन प्लस वन, तो यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे देखिए थ्री इंटू के थ्राइस के और प्लस थ्री इंटू वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, तो मैच हो रहा है, दैट मींस ये जो रिजल्ट है ये ट्रू हो गया फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो। तो अभी हम लोग नीचे लिखेंगे, मैं यहां पर डिक्टेट कर देता हूं आप लिख लीजिएगा, नीचे लिखेंगे देयरफोर द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर, देयरफोर द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो, देयरफोर द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the given proposition is true for, hence by the principle of mathematical induction the given proposition is true for any n belongs to n, any n belongs to n। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है देखिए 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus 1 by 7 into 9 plus dot 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 1 by twice n plus 1 into twice n plus 3 is equal to n divided by 3 into twice n plus 3, इसको हम लोग शो करेंगे। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, व्हेन एन इज इक्वल टू वन, सो व्हेन एन इज इक्वल टू वन एलएचएस में एक सीरीज है तो इसका मीनिंग क्या होता है, एन इज इक्वल टू वन मीन्स सम ऑफ दिस सीरीज अप टू फर्स्ट टर्म, तो यहां पर एलएचएस में क्या आ जाएगा, एलएचएस में आ जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू फाइव, तो ये आ जाएगा आपका वन बाई फिफ्टीन। आरएचएस में देखिए एन के प्लेस में अगर हम लोग वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए वन डिवाइडेड बाई 3 इंटू टू इंटू वन प्लस थ्री, तो फाइनल देखिए 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, यहां पर देखिए 2 इंटू वन टू, टू प्लस थ्री फाइव, तो यहां पर 5 हो जाएगा, सो 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू फाइव, ये हो जाएगा आपका 15। सो देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, देयरफोर द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर
एन इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द प्रोपोजिशन बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। व्हाट इज के? के इज ग्रेटर देन वन एंड के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एन इक्वल टू के पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 के प्लस 1 इंटू 2 के प्लस 3 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2k प्लस 3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन 1 को यूज करके ये शो करेंगे द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, सो नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो यहां पर इसका LHS लिखेंगे n के प्लेस में k प्लस 1 पुट करके। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 बाय 3 इंटू 5 प्लस 1 बाई 5 इंटू 7 प्लस 1 बाई 7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 1 बाई, सो यहां पर n के प्लेस में k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3 हो रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2k प्लस 3 इंटू, देखिए इंटू में यहां पर n के प्लेस में k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 3, दैट मीन्स 2k प्लस 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2k प्लस 5। दिस इज इक्वल टू 1 बाय 3 इंटू 5 प्लस 1 बाय 5 इंटू 7 प्लस 1 बाय 7 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अभी हम लोग इस टर्म का प्रीवियस टर्म को लिखेंगे, तो यहां पर यह टर्म मैं लिख लेता हूं 1 बाय 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। तो इसका प्रीवियस टर्म देखिए सिमिलर प्रोसेस रहेगा। तो इसका प्रीवियस टर्म में हमेशा क्या आता है, देखिए हमेशा इसका प्रीवियस टर्म में ये जो टर्म है ये आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, वो ट्रिक तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा दिया है कैसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस ये जो टर्म है इसका टर्म में इस टर्म का पहले क्या आएगा, ये जो टर्म है यहाँ पर ये आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2k प्लस 1 हमेशा ये भी हमेशा इस तरह से ये जो टर्म है इस टर्म का जो लास्ट टर्म है ये सीरीज का लास्ट टर्म यहाँ पर आता है। तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग ये जो सीरीज है यहां से लेके यहां तक जो सीरीज है इसका साम देखिए इक्वेशन 1 यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 यूज करके हम लोग ये सीरीज का साम लिख सकते हैं यहां पर के डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। ये लाइन कैसे हुआ, बाई इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहां पर कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या है, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर में कॉमन है आपका 2k प्लस 3। सो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा आपका k बाई 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 5 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 5। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3 इंटू देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 5 और न्यूमरेटर में देखिए k इंटू 2k प्लस 5 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में देखिए फ्रेंड्स 2k प्लस 3 2k प्लस 3 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा आपका 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 और डिनोमिनेटर में क्या है देखिए 3 इंटू 2k प्लस 5। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर आप जब मिडिल टर्म करेंगे इसको आप जब मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे और वहां उसके बाद यहां पर देखिए मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के बाद ये जो 2k प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में रहेगा आपका k प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आएगा आपका 3 इंटू 2k प्लस ये जो टर्म है ये 3 इंटू 2k प्लस 5 ये रहेगा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे इसको हम लोग इस फॉर्म को बना के ये लिखेंगे, न्यूमरेटर में देखिए तो k प्लस 1 ये तो फॉर्म में बन गया और डिनोमिनेटर में n के प्लेस में हम लोग k प्लस 1 पुट करके लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 3 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 3। तो इस फॉर्म में हम लोग फॉर्म में बना के लिख लिया तो यहां पर आप इसको मैच करेंगे तो देखिए यहां पर 2k प्लस 5 हो रहा है। सो यहां पर हम लोगों ने ये शो कर दिया द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो। तो उसके बाद हम लोग जो थ्योरी लिखते हैं ये आप ये तो पहले तो मैंने बहुत बार लिखा हुआ है तो आप उनमें से उस वहां से कॉपी करके लिख लीजिएगा। अब यहां पर आप इस
प्रॉब्लम्स को यहां पर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में शो करना है हमें n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन, फॉर एन इज इक्वल टू वन, फॉर एन इज इक्वल टू वन, सो एन के प्लेस में वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए फॉर एन इज इक्वल टू वन, वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस फाइव, सो देखिए क्या हो रहा है। देखिए वन इंटू टू इंटू सिक्स, तो ये हो रहा है आपका ट्वेल्व। सो क्लियरली ट्वेल्व इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री। सो यहां पर कमा देखे हम लोग लिखेंगे which is a multiple of 3. Therefore the proposition is true for n is equal to 1. अभी हम लोग ये assume करेंगे let the proposition be true for n equal to k. What is k? K is greater than 1 and k belongs to natural number. That is क्या हो गया, that is k into k plus 1 into k plus 5 is a multiple of 3. सो फ्रेंड्स देखिए k into k plus 1 into k plus 5 is a multiple of 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं k into k plus 1 into k plus 5 is equal to 3 into something, जैसे कि 15 is a multiple of 3, तो यहां पर हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 5। तो सिमिलरली यहां पर k into k plus 1 into k plus 5 is a multiple of 3, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं k into k plus 1 into k plus 5 is equal to 3 into something। तो यहां पर something तो मालूम नहीं है क्योंकि यहां पर वेरिएबल है, तो यहां पर हम लोग इस समथिंग को m नाम देते हैं, और m क्या है, m एक नेचुरल नंबर है, m कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो यहां पर हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, तो इक्वेशन हम लोग 1 दे देते हैं। अभी हम लोग यहां पर n इक्वल टू k plus 1 पुट करेंगे तभी भी ये जो नंबर आएगा ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, इसको हम लोग शो करेंगे। सो नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो यहां पर n के प्लेस में k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा, और यहां पर n के प्लेस में k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, k प्लस 1 प्लस 5, सो यहां पर हो जाएगा आपका k प्लस 6। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स k प्लस 1 और ये है आपका k प्लस 2, इस k प्लस 6 को हम लोग लिखेंगे k प्लस 5, यहां पर मैं सेकंड ब्रैकेट दे देता हूं, k प्लस 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, k प्लस 6 को हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 5 प्लस 1। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 5 एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू 1, सो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 5 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट हम लोग ये तो ये जैसा है वो सही रहेगा, यहां पर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, k प्लस 2 सामने लिख लेंगे और नेक्स्ट k प्लस 1 k प्लस 5, क्या किया सिंपली हम लोगों ने, ये जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म में लिख लिया और ये जो टर्म है ये सेकंड टर्म में लिख लिया, बाकी इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, तो k प्लस 1 k प्लस 2 एज इट इज रख दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहां पर ये जो k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 5 है, इसको हम लोग जब गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 हो जाएगा प्लस, सो k से गुना कर दिया तो हम लोगों ने क्या किया, k से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5, तो 2 से प्लस, 2 से गुना करके तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू k प्लस 1 k प्लस 5 प्लस ये जो k प्लस 1 k प्लस 2 है इसको हम लोग एज इट इज लिख दिया। तो इस तरह से करने के बाद क्या आ रहा है, देखिए यहां पर देखिए k इंटू k प्लस वन के प्लस फाइव जो है इसका वैल्यू देखिए, बाय इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं थ्राइसेम, सो k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5 का वैल्यू लिख लिया हम लोगों ने थ्राइसेम प्लस, और ये जो दो टर्म है इन दोनों टर्म से देखिए k प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो k प्लस 1 कॉमन ले लिया, सो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, देखिए 2 इंटू k प्लस
फाइव प्लस के प्लस वन कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या जाएगा के प्लस टू। दिस इज इक्वल टू थ्राइसेम प्लस के प्लस वन, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू के प्लस टेन प्लस के प्लस टू। दिस इज इक्वल टू थ्राइसेम प्लस के प्लस वन, तो यहां पर आप ऐड करेंगे तो यह जाएगा आपका थ्राइस के प्लस ट्वेल्व। फाइनली देखिए यहां पर थ्री कॉमन आ रहा है, यहां पर थ्री कॉमन आ रहा है और यहां पर भी थ्री कॉमन है, तो थ्री कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या जाएगा एम प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस फोर। सो ये जो नंबर आया ये देखिए मल्टीपल ऑफ थ्री है क्योंकि बाहर थ्री है, तो ये मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब द रिजल्ट द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो, द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो। और नीचे जो लिखते हैं ये आप लोग पहले से कॉपी करके लिख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा, एग्जाम के लिए ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है या पर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये कॉपी यहां पर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 10 टू द पावर ट्वाइस एन माइनस वन, ये जो ट्वाइस एन माइनस वन है ये आपका पावर में है, 10 का पावर में है प्लस वन ये पैरेलल में है इज डिविजिबल बाय 11। तो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए फॉर एन इज इक्वल टू वन 10 टू द पावर 2 इंटू वन माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 10 टू द पावर टिकट 2 इंटू वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा टिकट 2 माइनस वन मतलब 1, तो 10 टू द पावर 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहां पर ये 11 हो जाएगा। सो व्हिच इज डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, देयरफॉर द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। अभी हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द प्रोपोजिशन बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, व्हाट इज के, के इज ग्रेटर देन वन एंड के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर तो एन के प्लेस में के पुट करके ये जो लाइन है ये हम लोग लिखेंगे। सो देयरफॉर 10 टू द पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, दिस इंप्लाइज, तो ये डिविजिबल बाय 11 है, दैट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं पहले जैसा 10 टू द पावर 2k माइनस 1 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, 10 टू द पावर 2k ये माइनस 1 है माइनस 1, 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू समथिंग, तो 11 इंटू समथिंग को हम लोग नाम दे देते हैं m, व्हाट इज m, m इज एनी नेचुरल नंबर, m को यहां पर क्वोशेंट कहा जाता है। चलिए तो यहां पर इसको हम लोग एज इट इज यहां पर रख देते हैं, उसके बाद यहां पर हम लोग जैसा नीड होगा ऐसे हम लोग इस तरह को इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी हम लोग के प्लस वन के लिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, सो नाउ फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो यहां पर इस बार अगर एन के प्लेस में के प्लस वन पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा, देखिए टू इंटू के प्लस वन माइनस वन, सो यहां पर क्या हो रहा है देखिए 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट मींस 2k प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस 1 10 टू द पावर 2k प्लस 1 और ये पैरेलल में प्लस 1 है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर 2k इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1। अभी देखिए हम लोग यहां पर 10 टू द पावर 2k का वैल्यू पुट करेंगे कहां से, यहां से कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10 टू द पावर 2k माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2k डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m, कैसे लिख लिया, जैसे एक फॉर्मूला था हमारे पास a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, लॉ ऑफ इंटीजर्स का फॉर्मूला था a टू द पावर m माइनस n, तो इस फॉर्मूला को हम लोगों ने यहां पर यूज किया 10 टू द पावर 2k माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2k बाय 10 टू द पावर 1, तो 10 टू द पावर 1 मतलब 10। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहां पर 10 टू द पावर 2k, तो 10 क्रॉस करेंगे तो यह जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 11 m इनटू 10। सो फाइनली 10 टू द पावर 2k का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए 10 टू द पावर 2k का वैल्यू आ रहा है आपका 11 m इनटू 10 माइनस 10 11 m इनटू 10 माइनस 10, तो यहां पर इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे और इस इक्वेशन 1 से हम लोग 10 टू द पावर 2k का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 11 m इनटू 10 माइनस 10 इंटू में 10 मतलब ये 10
प्लस वन, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 10 इंटू में दिस, सो 11 एम इंटू 10 इंटू 10 100 माइनस 10 इंटू 10 100 प्लस वन, सो 11 एम इंटू 100 माइनस यहाँ पर 99 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देखिए 11 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 100 एम माइनस 9। तो ये जो नंबर है ये नंबर आपका क्लियरली डिविजिबल बाई 11 क्योंकि यहां पर 11 है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कॉमा देखे व्हिच इज डिविजिबल बाई 11, देयरफॉर द रिजल्ट इज द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो। और नीचे जो हम लोग लाइन लिखते हैं इसको आप लोग पहले जैसा लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये प्रॉब्लम एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया है, एग्जाम में ये प्रॉब्लम कभी कभी इस तरह से भी आता है, ए टू द पावर ट्वाइस एन माइनस बी टू द पावर ट्वाइस एन इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी, इस तरह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो सेम ही जैसा होगा एक्स टू द पावर ट्वाइस एन माइनस वाई टू द पावर ट्वाइस एन, जैसे ए टू द पावर ट्वाइस एन माइनस बी टू द पावर ट्वाइस एन, ये सेम टाइप का प्रॉब्लम है, सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर दिया गया है। तो इसको हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप अच्छी तरह से देखिएगा सोल्यूशन। चलिए 4n is equal to 1, 4n is equal to 1, x to the power 2 into 1 minus y to the power 2 into 1, this is equal to x to the power 2 into 1 मतलब 2 minus y to the power 2 into 1 मतलब 2, तो x square minus y square हो गया। तो x square minus y square को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x minus y into में x plus y, तो clearly this x minus y into x plus y is divisible by x plus y, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग आराम से x plus y से डिवाइड दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x plus y है, तो which is clearly divisible by x plus y, तो हम लोग कमा लगा के लिखेंगे which is divisible by x plus y, which is divisible by x plus y, therefore the proposition is true for n is equal to k. Next हम लोग assume करेंगे let the proposition be true for n equal to k. What is k? K is greater than 1 and k belongs to natural number. Therefore n के place में k put करके ये result लिखेंगे, तो therefore x to the power 2k minus y to the power 2k is divisible by x plus y. So इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है this implies x to the power 2k minus y to the power 2k is equal to x plus y into something, इस something को हम लोग m नाम दे देते हैं, और m क्या है, m एक natural number है, मेरे ख्याल से इतना तक आपको समझ में आया होगा। चलिए यहां से हम लोग एक्स टू दी पावर 2k का वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि यहां पर हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पर एक्स टू दी पावर 2k का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई टू दी पावर 2k इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई टू दी पावर 2k, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस इक्वेशन 1 को यूज करके हम लोग शो करेंगे द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 ऑल्सो। सो नाउ फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, तो यहां पर क्या होगा, देखिए x टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस y टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1, सो x टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस y टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर, तो यहां पर देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x टू द पावर 2 के प्लस 2 माइनस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए y टू द पावर 2 के प्लस 2, तो यहां पर लॉ ऑफ इंडेक्सेस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 के इंटू x स्क्वायर माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तक आपको समझ में आया होगा। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, जो लॉ ऑफ इंडेक्सेस का फॉर्मूला था ए टू दी पावर एम प्लस एन, इसको हम लोग यहां पर यूज किया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक्स टू दी पावर 2k, तो एक्स टू दी पावर 2k का वैल्यू बाई वन हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई वन हम लोग एक्स टू दी पावर 2k का वैल्यू लिख सकते हैं आपका एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई टू दी पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू दी पावर 2k का वैल्यू बाई वन हम लोगों ने लिख लिया एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई टू दी पावर 2k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, कैसे हुआ, बाई वन। नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 2k माइनस वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एम
तो यहां पर देखिए वाई टू दी पावर टू के कॉमन आ रहा है, यहां पर वाई टू दी पावर टू के कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एम, और यहां पर देखिए वाई टू दी पावर टू के और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए फ्रेंड्स एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है तो यहां पर एक्स प्लस वाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा आपका एम एक्स स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा आपका वाई टू दी पावर टू के इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये देखिए ये क्लियरली डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई है क्योंकि बाहर एक्स प्लस वाई है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द व्हिच इज क्लियरली डिविजिबल बाई व्हिच इज क्लियरली डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, देयरफॉर द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर therefore the given proposition is true for n is equal to k plus 1 also, और बाकी जो लाइन लिखते हैं ये पहले से आप कॉपी करके लिख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर से ये आप वीडियो को फिर से देखिए और यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है देखिए 41 टू दी पावर एन माइनस 14 टू दी पावर एन इज ए मल्टीपल ऑफ 27, ये प्रॉब्लम भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फॉर एन इज इक्वल टू वन 41 टू दी पावर 1 माइनस 14 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये 41 है, ये 41 टू दी पावर 1 माइनस 14 टू दी पावर 1, तो 41 टू दी पावर 1 मतलब 41 माइनस 14 टू दी पावर 1 मतलब 14, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आप सेपरेट करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, तो व्हिच इज क्लियरली दिस 27 इज क्लियरली मल्टीपल ऑफ 27, सो आप यहां पर कॉमा लगा के लिखेंगे व्हिच इज क्लियरली मल्टीपल ऑफ 27, Therefore the proposition is true for n is equal to 1. अभी हम लोग assume करेंगे let the proposition be true for n equal to k. What is k? K is greater than 1 and k belongs to नेचुरल नंबर, सो एन इक्वल टू के पुट करके ये लाइन हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर 41 टू दी पावर के माइनस 14 टू दी पावर के इज ए मल्टीपुल ऑफ 27, सो दिस इज ए मल्टीपुल ऑफ 27, दैट मीन्स व्हाट 41 टू दी पावर के माइनस 14 टू दी पावर के को हम लोग लिख सकते हैं 27 इंटू समथिंग, तो समथिंग को हम लोग एम नाम दे देते हैं और एम क्या है, एम एक नेचुरल नंबर है, तो यहां पर हम लोग 41 टू दी पावर के का वैल्यू निकाल के रख देंगे, तो 41 टू दी पावर के का वैल्यू हो जाएगा आपका 27m प्लस 14, ये राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 14 टू दी पावर के, इसको हम लोग 1 दे देते हैं। चलिए अभी हम लोग इस 1 को यूज करके दिखाएंगे द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो, सो नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, 41 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 14 टू दी पावर k प्लस 1, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 41 टू दी पावर k प्लस 1 को हम लोग लॉ ऑफ इंडेक्सेस लगा के क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडेक्सेस लगा के हम लोग लिखेंगे 41 टू दी पावर k इंटू 41 टू दी पावर 1 माइनस 14 टू दी पावर k प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 14 टू दी पावर k इंटू 14 टू दी पावर 1, तो 14 टू दी पावर 1 मतलब 14। अब देखिए फ्रेंड्स 41 टू दी पावर के का वैल्यू बाई 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई 1 हम लोग लिख सकते हैं 27m प्लस 14 टू दी पावर के इंटू में 41 माइनस 14 टू दी पावर के इंटू 14, दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27m इंटू 41 प्लस 14 टू दी पावर के इंटू 41 माइनस 14 टू दी पावर के इंटू 14, दिस इज इक्वल टू 27m इंटू 41 प्लस, यहां पर देखिए कॉमन क्या रहा है, यहां पर कॉमन आ रहा है आपका 14 टू दी पावर के, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 41 माइनस 14, दिस इज इक्वल टू 27m इंटू 41 14 टू दी पावर के इंटू 27, 41 माइनस 14 27, तो नेक्स्ट देखिए यहां से कॉमन आ रहा है आपका 27, तो 27 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 41m प्लस 14 टू दी पावर के, सो ये जो आया ये क्लियरली डिविजिबल बाई 27 है,
मल्टीपल ऑफ 27 है, क्योंकि यहां पर 27 बाहर कॉमन है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं व्हिच इज ए मल्टीपल ऑफ 27. Therefore, the given proposition is true for n is equal to k plus 1 also. और बाद में हम लोग जो लिखते हैं, therefore, the given proposition is true for n is equal to k plus 1 also. Hence, by the principle of mathematical induction, the given proposition is true for any n belongs to n. तो ये आप पहले से नोट डाउन कर लीजिएगा और यहां पर वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. चलिए अभी हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं. तो लास्ट प्रॉब्लम में हमारे पास है, देखिए, 3 टू द पावर 27 प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8 शो करना है. तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर n इज इक्वल टू 1. सो फॉर n इज इक्वल टू 1, 3 टू द पावर 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 मतलब 8 माइनस 9. तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, 3 टू द पावर 4, तो 3 टू द पावर 4 मतलब क्या हो रहा है आपका 81 माइनस 8 माइनस 9. तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए, 81 माइनस 17 और 81 माइनस 17 कितना होता है आपका 4, यहां से 7 माइनस 1 घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 6 और 64 ये क्लियरली डिविजिबल बाय 8 हो रहा है. तो हम लोग यहां पर लिखेंगे व्हिच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 8. सो therefore, the given proposition is true for n is equal to 1. Therefore, the given proposition is true for n equal to 1. अभी हम लोग assume करेंगे, let the proposition be true for n equal to k. What is k? K is greater than 1 or k belongs to natural number. तो n equal to k put करके ये line हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 is divisible by 8. तो this implies हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 3 to the power 2k plus 2 माइनस 8 के माइनस 9 इज इक्वल टू 8 इंटू समथिंग और समथिंग को हम लोग m नाम दे देते हैं. और यहां पर m के है क्या है, यहां पर m है आपका, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग यहां पर इसको एज इट इज रख देते हैं, यहां पर नीट के हिसाब से हम लोग यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो नाउ फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, नाउ फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, तो यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2, दैट मीन्स 2k प्लस 2 मतलब 2k प्लस 4 हो जाएगा. सो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2k प्लस 4 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग लॉ ऑफ इंडेक्सेस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2k इंटू 3 टू द पावर 4, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8k माइनस 8 माइनस 9. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, यहां पर 3 टू द पावर 2k और इसको हम लोग 3 टू द पावर 2k, इसको हम लोग 3 टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8k माइनस, यहां पर माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17. अब देखिए फ्रेंड्स, 3 टू द पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 टू द पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये दोनों यूज करके हम लोग इन दोनों में लॉ ऑफ इंडेक्सेस लगा दिया तो यहां पर इक्वल जाएगा 3 टू द पावर 2k प्लस 2 और इंटू में 3 स्क्वायर माइनस 8k माइनस 17. दिस इज इक्वल टू, आप देखिए फ्रेंड्स, 3 टू द पावर 2k प्लस 2, यहां पर देखिए 3 टू द पावर 2k प्लस 2 क्या आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 टू द पावर 2k प्लस 2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 8m प्लस 8k प्लस 9. तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे और यहां पर इस इक्वेशन 1 को यूज करके यहां पर 3 टू द पावर 2k प्लस 2 का वैल्यू यहां पर यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8m प्लस 8k प्लस 9 इंटू 9 माइनस इंटू 9 मतलब ये 3 स्क्वायर 9 लिखा माइनस 8k माइनस 17. और फाइनली इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 8 कॉमन आ जाएगा, तो 8 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 9m प्लस
एट के, नाइन एम प्लस एट के प्लस एट, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्रैकेट में ये आ जाएगा और बाहर आपका आ जाएगा एट को माना जाएगा। तो उसके बाद अब ये क्लियरली ये आएगा, ये जो है ये आपका क्लियरली डिविजिबल बाई एट है, ये क्लियरली डिविजिबल बाई एट है क्योंकि बाहर एट है। तो हम लोग अब लिखेंगे देयर फोर द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो, एंड हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।